हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज आपको कोई देखना नहीं चाहता, आपकी हालात बहुत खराब है। इसराइल हो चाहे बरतानिया चाहे अमेरिका और चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत, ये आपको देखना नहीं चाहती। आए मुसलमानों, आपके जवाल आपकी जिल्लत का सबब क्या है? कभी आपने गौर किया? मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं थोड़ी देर। आपके जवाल का सबब क्या है? आप जलील क्यों हो रहे हैं? आप पस्पा क्यों हो रहे हैं? आप जिल्लत के कार में क्यों गिर रहे हैं? आपने कभी गौर किया? मैं बुखारी की हदीस सुनाऊं फिर वजाहत करता हूं। मे आका ने इरशाद फरमाया, लन तज़ाल हाज़िहि उम्मा क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुरु मन खालफहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक ये उम्मत दीन पर कायम रहे। बुखारी की हदीस। मेरे नबी ने फरमाया, वह जब तक ये उम्मत अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी, कयामत तक कोई मुखालिफ इस उम्मत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बुखारी की हदीस है कि जब तक ये उम्मत दीन पर कायम है, इस उम्मत को ना दून ना भाजपा ना सपा ना आरएसएस ना बरतानिया ना अमेरिका ना इसराइल, यहाँ जब तुम्हारी हिफाजत खुदा करेगा तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? तो नबी ने बताया, जब तक दीन पर कायम रहोगे नुकसान नहीं होगा। अब अगर नुकसान हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि हम दीन से हट रहे हैं, अल्लाह के नबी के दीन से हट रहे हैं, तब हमारा नुकसान हो रहा है। तकरीर हो रही है, तीन बज रहा है, चार बज रहा है, उठे सलाम पढ़ा, पैर फैला के सो गए, फजर की नमाज की कोई परवाह नहीं है। क्या अल्लाह के नबी के दीन की इजाजत देता है? मुशारा सुनना ये मुस्तहब है, तकरीर सुनना ये मुस्तहब है, नमाज फर्ज है, जमात वाजिब है। मुशायरे की बुनियाद पर या जलसे की बुनियाद पर ना नमाज छोड़ी जा सकती है और ना जमात छोड़ी जा सकती है। ना तुम्हें नमाज की परवाह है ना जमात की परवाह है, और तुम मुशायरा कर रहे हो। मैं मुशायरे के मुखालिफ नहीं हूँ। नबी की नाज सुनना सुनाना इबादत, कोई नबी की नाज सुनना सुनाना इबादत है, लेकिन मेरी गुजारिश है मुशायरा बाद में करो, नमाज पहले पढ़ो। मुशायरा बाद में करो, जलसा बाद में करो, नमाज पहले पढ़ो। तुमने मैं और ज्यादा आपसे क्या कहूँ? ये मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा और ये क्या करेगा भाई? ये जिहाद करेगा, ये जान कुर्बान करेगा, ये माल कुर्बान करेगा। नबी की मोहब्बत में अल्लाह के इबादत के लिए नमाज नहीं, चंद लम्हे कुर्बान नहीं कर रहा है, ये जान जान क्या कुर्बान करेगा? ऐ मुसलमानों, मेरा पैगाम ये है, अल्लाह तौफीक दे तो यहाँ से उठो और नमाज का इरादा करके, नमाज का इरादा करके उठो। ये माँ बहने बैठी आज बता देगी, कहीं तलाक का मसला है, कहीं हलाली का मसला है, कहीं तीन तलाक की बात हो रही है ना? आखिर उठाना चाहो तरफ, ये तमाम हुकूमतें यही फैलाए हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये कुछ खामियां हमारी हमारे क्यों घर में कोई बात नहीं। बीवी ने खाना पकाया, नमक कम हो गया, बीवी को तीन तलाक दे दिया। शराब पी के आया, बीवी को तीन तलाक दे दिया। झगड़ा साले से हुआ, बीवी को तीन तलाक दे दिया। बातचीत ससुर से बिगड़ गई, बीवी को तीन तलाक दे दिया। ये मेरी बात सही है कि गलत? आप बताइए, इससे क्या हो रहा है मुसलमानों? ये हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है, ये मुसलमानों की बदनामी हो रही है। अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में तीन तलाक देने से मना किया, तीन तलाक देने से मना किया है। अगर ये कौम रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल करती तो मुसलमानों की इस्लाम की बदनामी नहीं होने पाती। जो बदनामी हो रही है, अब रह गया एक मसला और। हाँ, ये गलत है कि तीन तलाक दो, तीन पड़ेगी नहीं, बढ़ जाए, पड़ेगी पड़ेगी। क्यों? मैं मिसाल देता हूँ, किसी के गोली, किसी मोमिन के गोली नहीं मारना चाहना चाहना, मारना हराम है, लेकिन मारो के तो लगे भी नहीं लगे। भाई मारना नहीं चाहिए, गुनाह गलत है, लेकिन मारेगा तो लग जाए। तीन तलाके नहीं देना चाहिए, लेकिन देगा तो पड़ जाए, अगर देगा तो पड़ जाएंगी। अब वो कहता क्या है कि साहब, हमें मुसलमानों की औरतों की हिफाजत करनी है,
और उनको हक दिलाना है। अरे मेरी माँ बहनों, तुम उनसे कह दो कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ हक नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के रसूल ने जो हक दे दिया है वही हमारे लिए काफी है। मेरी गुजारिश माँ बहनों, तुम्हें कह दो मुझे कोई हक नहीं चाहिए तुम्हारा, अल्लाह के रसूल ने मुझे इतना हक दिया है, इतना हक दिया है। आज औरतें जो घर की जीनत बनी हुई हैं, ये मोदी जी की देन नहीं है, ये इस्लाम की देन है। किसी की देन नहीं है, ये इस्लाम की देन है। देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ कि एक दौर वो भी था, अगर मीडिया यहाँ हो तो मेरी बात को सुनिए। अगर घर में एक लड़की पैदा हो जाती थी, लोग जिंदा गाड़ देते थे, कभी कभी लड़की को जिंदा गाड़ देते थे। अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसे शादी करना कोई पसंद नहीं करता था, चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। ये अरब का मौलूम था, अल्लाह के नबी की 25 साल की उम्र थी, है ना, और ऐसे हसीन व जमील कि चांद देखे तो वो भी शर्मा जाए, है ना। कायनात में ऐसा हसीन व जमील पैदा नहीं हुआ, खुद नहीं हुआ। दमे लसा यदे बैदा दारी, आज हुआ हमा दाद तू तरह दारी। और आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान एक शेर में फरमाते हैं, खुद ने यूसुफ पे कटी मिस्र में मुझे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, है ना। ऐसे हसीन और जमील थे, 25 साल की उम्र, है ना। और सबसे पहली शादी किसी की हजरत खदीजा से, जो दो दो शोहरों से विवाह थी, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। मैं यहाँ कोई नौजवान लड़का बेटा हूँ 25 साल का, और मैं घर में खाने पीने का अच्छा माहौल हो, पढ़ा लिखा हो, और मैं उससे कहूँ बेटा उसके माँ बाप कहें कि एक बेवा और 40 साल की है फना गाँव में, हम तुम्हारा रिश्ता उससे तय करने जा रहे हैं, वो लड़का अपने माँ बाप को उखड़ जाएगा। तुमने क्या समझा मुझे, मैं शानदार आदमी हूँ, खाता पीता हूँ, कमाता हूँ, मुझे क्या समझा एक बेवा औरत से तुम मेरी शादी करने जा रहे हो, मेरी बात सही है कि नहीं। लेकिन देखो वो पैगंबर जो ऐसे पढ़े लिखे कि सारी कायनात को पढ़ाने आए थे। ये मेरे नौजवान बच्चों को बुरी बात है, अदब तहसीब है जो मेरी बात की है, है ना। जो ऐसे हाजी हो जमील और ऐसे पढ़े लिखे जिनके बारे में कुरान कहे, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, ऐसे हाजी हो जमील। और उन्होंने पहली शादी हजरत खदीजा जो दो शोहर से बेवा थी उनसे करके अवाम में समाज में बेवा औरतों का जो मकाम खत्म हो चुका था, रसूलुल्लाह ने बेवा औरतों का मकाम बहाल करवा दिया। और ऐसा बहाल किया, एक दिन अल्लाह के नबी गारी हिरा में थी, हजरत खदीजा तोशा लेकर नबी के दरबार में जा रही थी, हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह खदीजा आ रही है, अल्लाह ने उनको सलाम पेश किया। ईमान बोलो, जरा गौर करो, एक बेवा औरत जिसका मतलब समाज में कोई मकाम नहीं था, पैगंबर ने उनको ये मकाम दिया कि अल्लाह का जिब्रील के जरिए उनको सलाम भेज रहा है। अगर समाज में औरतों का मकाम बहाल हुआ है, अल्लाह के नबी ने एक हदीस पाक में फरमाया, खियारुकुम लिनिसाइहिन, तुम में बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के हक में बेहतर हैं, ये रसूलुल्लाह बताते हैं। और मैं कहता हूँ कि नबी की सीरत को पढ़िए। एक साहब की शिकायत आई मेरे पास, ये अपनी बीवी को मारते बहुत हैं। मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा, अरे मेरे भाई, अपनी नबी की सीरत को पढ़ लीजिए या सुन लीजिए और देख लीजिए, पैगंबर ने पूरी जिंदगी में अपनी किसी ज़ौजा के थप्पड़ नहीं मारा। पैगंबर ने तंबी तो की है, नाराज तो हुए हैं, पूरी जिंदगी में किसी बीवी के थप्पड़ नहीं मारा है। पैगंबर ने क्या फरमाया, बाश रहीन बिल मारूफ, और तुम साथ भलाई और नेकी का बर्ताव करो, ये रसूल अल्लाह का नियम है, है ना। मेरे भाई, औरतों को आज दुनिया के अंदर जो इज्जत मिली है इस्लाम से आता है, लेकिन मुसलमानों तुम्हारा किरदार बड़ा खराब हो गया है, तुम्हारी आदतें बड़ी खराब हो गई हैं, तुमने इस्लाम को छोड़ दिया है, तुम लड़ाई करते हो, तुम झगड़ा करते हो, आपस में इख्तलाफ करते हो, मुसलमान मुसलमान को खा रहा है। मैं अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊं, हज्जतुल विदा का मौका था और नबी ने एक तकरीबन 1,24,000 सहाबा में एक तकरीर फरमाई, एक खुतबा दिया, उसका एक जुमला उसका आप सुनिए, बुखारी शरीफ की किताब ईमान में है, मेरे आप ने इरशाद फरमाया, फैन नदिमा अकुम व अमवालकुम व आराधकुम
بینکم حرام، اے میرے دیوانوں تمہارے تمہاری تمہارے خون تمہاری مال تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا مومن کو مومن کی جان لینا حرام ہے، مومن کو مالی نقصان پہنچانا حرام ہے، مومن کی آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے، پیغمبر نے تعلیم دی ہے، جو مومن کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو مومن کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، جو مومن کے کام آتا ہے اللہ کی رحمت اس کے کام آتی ہے، جو مومن کو خوش کرتا ہے اللہ کی قدرت اس کو خوش کر دیتی ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں میرے بھائی، آج جلسوں میں کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہاں جہاں جلسوں میں اپنی سنی خانقاہوں پر حملہ کرتے ہیں، اپنی سنی علماء کے خلاف بولتے ہیں، سنی مشائخ کے خلاف بولتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنی تیز ہے، اس میں رسول اللہ کی بات ہونی چاہیے، سنیت کی بات ہونی چاہیے، شریعت کی بات ہونا چاہیے، اور بے عمل کو عمل والا بنانے کی بات ہونی چاہیے۔ دیکھو ایک حدیث آپ کو اجازت ہے، پریشان تو ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں جانتا ہوں قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے، بگڑ گیا ہے، میں صحیح بتلا رہا ہوں، یہ ہمارے ناظرین صاحب بیٹھے ہیں، یہ بات نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سنیے ایک حدیث، اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک گھنٹہ ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ بل اسلام، میرے آقا اسلام کیا ہے؟ کبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، تم نعرے لگاتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، کبھی کسی عالم سے، اپنے پیر سے جا کر پوچھا حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کی خصائل و عادات کیا ہے؟ اب نبی کا جواب، صحابی ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے میرے آقا؟ تو نبی کا جواب سنیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، یہ یاد رکھیں، بھولی نہیں آپ کے کام آئے گا۔ کیا سوال ہے میرے آقا اسلام کیا ہے؟ تو نبی نے جواب میں فرمایا، سب لوگ غور سے سنیں، ماں بہنیں بھی سنیں، کیا فرمایا؟ طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بولنا، سچ بولنا، حق بولنا، اچھا بولنا، پیارا پیارا بولنا، یہ اسلام ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ تو نبی نے بتایا کہ میٹھا بولنا اسلام ہے، میری گزارش ہے اپنی زبان کو اتنا میٹھا کیجیے، اتنا میٹھا کیجیے کہ جب اسلام کا دشمن تمہاری گفتگو کو سنے اس کا دل بول اٹھے، یہ اس کی بولی نہیں ہے، اسلام کی مٹھاس آ رہی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور یہ نبی نے تعلیم میں یہ کر کے دکھایا، متعدد حدیثوں میں ہے کہ بعض وہ حضرات جو اسلام سے دشمن تھے، اسلام لانے کے ارادے میں نہیں تھے، اور نبی کا اخلاق دیکھا، میں مسلمانوں میری گزارش ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرو، میں اپنے شاگرد بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اور جو علماء ہیں سب سے گزارش کر رہا ہوں، ہم آپ صاحب اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، آج مومن کا اخلاق بہت گھٹیا ہو گیا ہے، ہم بد اخلاقی کے شکار ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی کا پیارا پیارا اخلاق، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ جب دشمن آتا تھا ملاقات کے لیے پیغمبر کی میٹھی گفتگو سن کر مسلمان ہو جاتا تھا، تم کہاں چلے گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سنیے اخلاق کی بات سناؤں میں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت دہیہ کرمی رضی اللہ عنہ، ان کے قبیلے میں تقریباً 700 لوگ تھے جو ان کے ماتحت تھے، اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ دہیہ کو ایمان دے دے، دہیہ چلے اپنے سے چلتے ہیں رسول اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبرائیل آ گئے نبی کو ملتا دیا، حضرت دہیہ کلی آئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی نے جب حضرت دہیہ کو دیکھا تو رسول اللہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کل چھوٹی موٹی مسجد کا امام بھی کسی با عزت انسان سے کھڑے ہو کے ملاقات نہیں کرے گا، کیوں؟ میں امام ہوں، صحیح بول رہا ہوں برہمن؟ آج کل کوئی امام اپنے آپ کو امام عالم سے کم نہیں سمجھتا، نہیں ملاقات کرے گا کہ میں امام ہوں، توجہ فرمائیے،
अल्लाह के नबी खड़े हो गए और पैगंबर ने नूरानी चादर शरीफ उतार कर बिछा दी। आप इन पर तशरीफ रखिए, बस इसी अखलाक ने सारा काम कर दिया। चादर का थाया हर दिन दहिया ने आंखों से लगाया का या रसूलल्लाह आपकी चादर और मैं बैठू। चादर को उठाया कहा देर मत कीजिए मेरे सरकार, कलमा पढ़ा के मुसलमान मुसलमानों मैं तवज्जो चाहता हूँ अपने अखलाक को जरा आला किए मुसलमान कलमा पढ़ा और मुसलमान और मुसलमान होने के बाद जब नबी की गुलामी इख्तियार की कितना बड़ा मर्तबा मिला मैं आपको सुनाऊं। जब हज़रत जिब्रील नबी के दरबार में वही लेकर आते थे तो अपनी असली सूरत में भी आए हैं, बाद बदी सहाबा की सूरत में भी आए हैं। अक्सर हज़रत जिब्रील नबी के दरबार में हज़रत दहिया कलबी की सूरत में हाजिर हुए। अब ये मकाम मिल गया, अब सुनिए रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया दहिया क्यों रो रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें ईमान दे दिया जहन्नम से बचा लिया, अब क्या या रसूलल्लाह ईमान लाने की खुशी है। इस गम में रो रहा हूँ मेरे आका इस्लाम लाने से पहले मैं 70 लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन कर चुका हूँ, वो गुनाह माफ होगा या नहीं होगा। हाथे जमीन आ गए या रसूलल्लाह खुदा कह रहा है इनको पैगाम दे दो इन्नल इस्लाम यहदिहु मा काना कब्लहु, इस्लाम तमाम गुस्ताख गुनाहों को मिटा देगा। मेरे भाई 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया था, आए मेरी लड़की है मेरी बच्ची हो आए मेरी और मेरी बहन है मेरी माँ मेरी बहनों अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तुम्हें इज्जत मिली है तो रसूलुल्लाह के साथ इस्लाम ने अदा किया है। तो मेरे भाई ये नबी का अखलाक था। जाने कितने लोग हैं ये चले घर से इस्लाम लाने के लिए नहीं आए, देखते हैं बैठेंगे उनके सोफे सुनेंगे क्या कहते हैं आए और जब नबी की मीठी मीठी गुफ्तगू सुनी वो तो कलमा पढ़े पढ़ा वही मुसलमान। मुसलमानों मैं बहुत प्यार से तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ कि अपने अखलाक वाला बुलाइए, आपस में अखलाक मोहब्बत को पैदा कीजिए और इख्तलाफ और इंतशार को मिटाइए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, शर्म हया का माहौल बनाइए, अपनी बेटियों को माओ को बहनों को पर्दे में रखने की कोशिश करो। अरे मेरी माँ बहनों तुमसे गुजारिश है ये नंगा पहनावा आधी आधी का मत पहनो, अंग्रेज काफिर यहूदी औरतों और बच्चे को देखना है तो हर दिन फातिमा की जिंदगी में देखो। ये मेरी तुमसे गुजारिश है बहुत मोहब्बत से गुजारिश है, तुम मरोगी कब्र में जाओगी अंग्रेज तुम्हारे काम नहीं आएगा, काफिर तुम्हारे काम नहीं आएंगे, यहूदी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है ना, तो आइंदा से देखो औरतों को बाल छुपाना फर्ज है, गर्दन का छुपाना फर्ज है, कलाई का छुपाना फर्ज है, बिंडली का छुपाना फर्ज है, छिपा गर्दन का सीने का छुपाना फर्ज है, पीठ का छुपाना फर्ज है, किसी गैर के सामने बाल खोलना ये भी हराम है, चेहरा खोलना ये भी मना है। अरे मेरी माँ बहनों तुमसे मेरी गुजारिश है अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाते सरकार के मुकद्दस बीवी तशरीफ फरमाती हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो मध्य नबी के मुअज्जिन थे वो नबीना थे वो आ रहे थे। मेरे आका ने फरमाया आए ओ मुसलमान पर्दा कर दो, अर्ज किया या रसूलल्लाह इनसे पर्दा क्या करें ये तो नबीना है। मेरे आका ने फरमाया सुनो ठीक है ये नबीना है इनकी नजर तो तुम पर नहीं पड़ेगी लेकिन तुम तो नबीना नहीं तुम्हारी नजर तो इन पर पड़ेगी। ए मेरी माँ बहनों रसूलुल्लाह की ये तालीम है कि हमारे हम पर फर्ज है कि तुम पर नजर ना डालें और तुम पर फर्ज है कि हम पर नजर ना डालो। रसूलुल्लाह की शरीयत तुम्हें ये तालीम देती है। और सुनो मेरे भाई मैं कहता हूँ अगर आप वली हो सकते हैं तो ये माँ बहनें भी वली हो सकती हैं है ना, लिहाजा वक्त काफी हो गया है 12:30 होने जा रहा है, शायद लोग परेशान किए ये कितनी लंबी तकलीफ करेंगे फिर हमारी शायरी कौन सुनेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई मेरी आपसे चलते चलते फिर गुजारिश है, मैंने पहले ही फैसला कर लिया था आज मुझे कुछ देर इस्लाम की गुफ्तगू करनी है, वक्त बहुत मुताबिक है। मेरे भाई आज लोग इस्लाम से मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, कुरान की तालीमात को मिटाना चाहते हैं, इस्लामी तहजीब खात्मा चाहते हैं, आप पर इसकी हिफाजत फर्ज है। और मेरे भैया मेरे भैया बैठो 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 बस बस मेरी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म हो रही है। और मेरे भाई मेरा इनाम ये है कल से नमाज पढ़ें।
بس آخری بات تمہاری، آج جو دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، ہم تمہیں اسلام کی تعلیم کی حفاظت کا ذریعہ بتائیں، بتائیں گے نہ بتائیں؟ ارے بولو نا میرے بھائی، بتائیں؟ ارے اچھا سب ہاتھ اٹھائیں تو بتائیں، ہے نا؟ اچھا اچھا، یہ پیچھے کے لوگ یہ مار رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نمبر بھائی آئیں آئیں، اچھا اچھا سنیے، صحیح بات، میں کچھ ضروری بات، ضروری پیغام دے رہا ہوں میرے بھائی، آپ ناظم صاحب سے پوچھئے، اب جلسوں میں یہ تقریریں ہونا بند ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے ماحول کو بدلیں، اب ذرا غور، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بڑے زبردست سے لوگ بیٹھے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے پاس دن میں روز آنا 24 گھنٹے ہیں، تو 24 گھنٹے آپ ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے، انجینئر انجینئرنگ میں لگا ہوا ہے، وکیل وکالت میں لگا ہوا ہے، جج اپنا کام کر رہا ہے، ہے نا؟ سب لوگ، کسان اپنا کام کر رہا ہے، ملازم اپنا کام کر رہا ہے، دکاندار اپنی تجارت کر رہا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروا رہا ہوں، کیا کبھی نے آپ نے سوچا کہ مجھے اپنا تھوڑا وقت نکال کر، جس طرح ہمیں اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہے، اپنی دکان اور مکان کی پرواہ ہے، اپنی بچیوں کی شادی کی پرواہ ہے، کیا اسی طرح آپ نے کبھی یہ خیال کیا کہ مجھے اپنے اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے، مجھے اسلام کی بھی خدمت کرنی ہے، مجھے سنیت کی خدمت کرنی ہے، اسلامی تعلیم کی خدمت کرنی ہے، اسلامی ثقافت کی خدمت کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، کبھی آپ نے خیال کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ ارادہ نہیں کرتے 23.5 گھنٹے آپ اپنے گھر میں تجارت میں لگاتے اور روزانہ آدھا گھنٹہ اسلام کے لیے دے دیتے، تو اسلام کا کام کہیں سے کہیں کہیں جاتا۔ آپ بتا دیں میری سب بات صحیح ہے، ہے نا؟ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، یہ اسلام کی ذمہ داری، یہ خدمت کی ذمہ داری صرف مولانا صاحب پر، مفتی صاحب پر، حافظ صاحب پر نہیں ہے، ہر مسلمان پر اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی اسلام کے ساتھ آگے سوچے، نبی کے صحابہ کو دیکھیے، غربت کا عالم ہے، افلاس کا عالم ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کے صحابہ وہاں پر شریک تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کنتم خیرا امتی من اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بڑی پیاری امت ہو، بڑی اچھی امت ہو، ان لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہو، تو گویا ساری امت کی قرآن میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان لوگوں کو برائیوں سے بچائیے اور نیکیوں کی طرف لائیے، خالی مولانا صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہر مومن کی ڈیوٹی ہے، نبی کی ہر امت کی ڈیوٹی ہے۔ اور جملہ ہی نوٹ کرتے چلیے، مردوں کی بھی ڈیوٹی ہے، عورتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، عورتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، یہ پردے میں رہیں، اپنے گھر کی گھریلو لیکن عورتوں کو پردے والا لباس پہنانے کی کوشش کریں، یہ بتاؤں کہاں سے ثابت ہے؟ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کی توجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی ہیں، آپ کے پاس ایک عورت آ گئی جس کا دوپٹہ بڑا باریک تھا، جس سے بال جھلک رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر سے دوپٹہ اتارا، اتار کر پھاڑ 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 کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور ایک موٹی چادر اپنی طرف سے عنایت فرمائی، اور ارشاد فرمایا اس کی جگہ اس کو اوڑھ لو۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی بیوی کا حال تھا کہ رسول اللہ باہر صحابہ کو دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کی مقدس بیویاں گھر میں بیٹھ کر خواتین کو اسلام کا دعوت دیتی تھیں۔ تو میری گزارش ہے میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ کی نشی قدم پر چلو، بے پردہ مت رہو، آج کے بعد یہ توبہ کر لو، جب ہمارے گھر میں کپڑے بنائیں گے تو ہم آدھی آستین کا لباس وہیں پہنیں گے، پوری آستین کا لباس پہنیں گے، ورنہ تم بھی جہنم میں جاؤ گی، اور جو شوہر جو آپ کے پر راضی ہوگا وہ بھی عذاب میں جائے گا۔
यार यहाँ जो बाप बैठे हैं उनसे गुजारिश है अपनी बेटियों को तब्दील करें, आइंदा कपड़े बने तो पूरी आस्तीन का बने। जो यहाँ पर शोहर बैठे हैं उनसे गुजारिश है अपनी बीवियों को तब्दील करें, जब हमारे घर में कपड़ा बनेगा तो यहाँ से बनेगा। जो भाई बैठे हैं अपनी बहनों को तब्दील करें, जो बड़े बैठे हैं अपने घर की छोटी बच्चियों को तब्दील करें। और एक मसला बता दूं, हमारे मोहतरम हाजी मुफ्ती साहब बात नहीं मार दिया तो क्या बताएं, इस्लाम तो ऐसा है ये खत्म भी खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कुछ बातें कहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है 5 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, वो जींस पहने हैं और शर्ट पहने हैं, वो अभी नाबालिगा है, गुनहगार नहीं है, मुकल्लफ नहीं है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ऐसी उम्र से बच्ची को ना शर्ट पहनाए ना जींस पहनाए, ऐसी उम्र से पूरी आदमी का लिबास पहनाकर ऐसा माहौल बना दे, उसकी ऐसी आदत बन जाए जब जवान हो तो बेहयाई की बात पहनना उसका जमीर गवारा ना करे। आपकी जिम्मेदारी है याद आए मेरे प्यारे प्यारे मुसलमानों, आज जो मैं ये सबक दिया है, लड़के हैं देखिए, एक तो कला इसमें पहने, एक कला इसमें पहने हैं, दो बुंदे इसमें पहने हैं, एक सोने की जिंदगी। मुसलमान तुम्हें क्या हो गया, तुम मुसलमान हो? बस चांदी की एक अंगूठी जायज है, एक नग की, दो अंगूठियां चांदी की भी ना जायज है। पीतल तोहर तांबा लोहा ये सब ना जायज हराम है, लोहा हराम है, सोने की जंजीर अंगूठी सब मर्द के लिए हराम है। और औरतों की बस दो जायज है, चांदी का सोना और चांदी सोने के अलावा जो आर्टिफिशियल जेवर है ये औरतों के लिए भी हराम है, हराम है। मैं मसला बताता चलूं सबको मालूम हो जाए, आर्टिफिशियल जो जेवर हैं बाकायदा फतवा है, ये भी औरतों के लिए हराम है। बस औरतों को दो धाते जायद हैं, चांदी का सोना। यार मेरी माँ बहनों, तुम अपनी जीनत इख्तियार ऐसी करो जो अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हो और जो नबी की शरीयत के दायरे में बेहतर हो, ताकि ये फैशन तुम्हें जहन्नम में ना ले जाने पाए। आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये मसाइल भी बता रहा हूँ और मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ, मेरे नौजवानों ये काम में बूंदे बूंदा ये लड़कियों को जायज है, मर्दों पर बूंदे पहनना ना जायज है ना। आज कल क्या कहते हैं, बड़े पीर साहब के नाम का कान में छल्ला पहनाया जाएगा, ये ना जायज है। बड़े पीर साहब से मोहब्बत है, उनकी फातिहा मान लो, उनका लंगर मान लो, उनकी देख मान लो, ये जायज है। उनके नाम का बूंदा पहनना और पहनाना ये दोनों हराम है। मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह तौफीक दे तो आप इस पर अमल करें और अपने घर के लोगों को अहबाब को अमल की तालीम दें। परवरदिगार कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, मुझे एहसास है हम कहते रहेंगे, आप सुनते हो रहेंगे और शायर हमसे नाराज होते रहेंगे। पढ़िए तुम्हारी शरीर में खत्म करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه ان شاء الله في ملاقات ہوگی پھر کبھی آپ سے باتیں کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।